welcome back to my channel. My name is Jyoti Sethi. So this video is all about me creating the space for my YouTube videos. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो ये space है ये actually भी मेरा bedroom है, जिसको मैं convert करने वाली हूँ YouTube studio के अंदर. सारी मेरी videos ज़्यादातर यहीं पे shoot होती थी, but बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि ये साथ ही साथ मेरा बेडरूम भी था. सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक दिस बेडरूम इनटू अ यूट्यूब स्पेस, बिकॉज फॉर्चुनेटली हम लोग एक ऐसे घर में रहते हैं जिसमें टू बेडरूम्स हैं. सो वी लिव इन अ 2 BHK. सो मैं और कमल सिर्फ अकेले रहते हैं इस घर में. ऑफकोर्स एटम हमारे साथ रहता है, लेकिन वो तो हमारे अंदर ही घुस के फिट हो जाता है. तो या वी हैड अ लॉट ऑफ स्पेस जिसको हम कन्वर्ट कर सकते थे. तो कमल एंड मी फाइनली डिसाइडेड, ज्योति ओके फाइन, लेट्स मेक द अदर बेडरूम आर मेन बेडरूम एंड यू प्लीज गो अहेड एंड मेक दिस योर यूट्यूब स्पेस. सो या अब मैं शुरुआत करूंगी आपको एक्चुअली अपना बेडरूम दिखाने के. शायद आपने वीडियोज में देखा होगा मेरा बेडरूम कैसा दिखता है. काफी सारे व्लॉग्स यहाँ पे होते रहते हैं. बहुत मिनिमलिस्टिक सा बेडरूम है ये. यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक बेड है, एसी है, टीवी है और एक छोटा सा टेबल है और क्या है, और यहाँ पे बस पीछे थोड़ी सी छोटे मोटे फ्रेम्स वगैरह लगे हुए हैं. सो जल्दी शुरू करते हैं. और मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में ये दिखा देती हूँ कि जिस बेडरूम को मैं कन्वर्ट करके अपना यूट्यूब स्पेस बना रही हूँ वो एक्चुअली दिखता कैसा था या दिखता कैसा है. एंड देन वील स्टार्ट मूविंग थिंग्स आउट. So this is the door to my bedroom and this is how it looks like from this angle. And this is one wall where I've put, you know, these frames and just nothing else. These frames were also DIY'd by me by putting some extra like waste colorful fabric in them. And yeah, this is my bed. It's a queen size bed, perfect for 2 people. Now going back to this beautiful plant sent to me by ugao.com, which I've kept on this stool, which I bought from Malaysia. If you've seen my Malaysia haul, I'm not sure. Now moving on to this wall right opposite to the bed, where I've this small TV which we actually never use, like never ever. It doesn't even have a cable connection, so it's just basically lying there like waste. And on the same wall we have our AC. Now here I have this another small table where we put all our remotes and everything. And then these are the full-sized windows and there are yellow and blue curtains here. Now actually this is the space where I always used to sit and shoot all my videos. I used to use this natural light coming out of the window and this is how I used to shoot. So yeah, this is the room which we're gonna make into my YouTube space, and I'm so happy while saying this. So aaiye shuru karte hain. रूम सारा खाली हो चुका है, सारा सामान रूम में से निकल चुका है, ये आप देख सकते हो. सिर्फ यहाँ पे ये मैंने फ्रेम्स छोड़े हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन फ्रेम्स को यूज़ कर सकती हूँ इसी तरीके से. इन पे काफ़ी मेहनत की थी मैंने और अभी कुछ टाइम पहले किए थे, तो आई थिंक आई यूज़ दीज फ्रेम्स एज दे आर. अच्छा, पंखे की सफाई होनी एंड ऑल्सो सब सामान जोड़ने वोड़ने से पहले मैं दीवारें विवारें भी साफ करूँगी. सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग आई हैव प्लान्ड. सारी सफाई हो गई है. आई एम जस्ट गोना गो टेक अ क्विक बाथ एंड देन द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी गोना मूव ऑन टू इज गोना बी DIYs. दैट्स द लवलीस्ट पार्ट, लाइक माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ व्हाटएवर मेकओवर आई डू. आई लव डूइंग DIYs. सो मेरे पास कुछ फ्रेम्स पड़े हैं बेसिकली, वो भी ऐसे ही ब्लैक फ्रेम्स हैं. तो सिंस आई डू नॉट वॉन्ट ऑल लाइक ब्लैक ब्लैक कलर इन द रूम, आई वॉन्ट सम पॉप ऑफ ब्राइट कलर्स. सो वॉट वी नेक्स्ट गोना डू इज वी गोना पेंट दोज फ्रेम्स. सो या लेट मी जस्ट टेक अ क्विक बाथ एंड देन वील क्विकली गेट ऑन टू कलरिंग. सो दीज आर द फ्रेम्स दैट आई हैव अबाउट 4 or 5 ऑफ दीज एंड आई एम गोना पेंट ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट कलर्स. एंड Remember, I am not a professional, so do not expect any perfection, but I know that we'll make it work, okay, somehow.
वॉशरूम तो हमारे रेडी हो गए हैं, ठीक है, मैंने ये रफ रफ सा कलर ऐसा हुआ है, मतलब कोई ऐसा प्रोफेशनल वाला वो नहीं हुआ है, ठीक है, आई थिंक दे लुकिंग प्रीटी गुड. सो यार दिस इज हाउ दे लुक राइट नाउ. और अब जो काम बचा है वो बचा है इनके अंदर क्या डालना है. मेरे पास ये कुछ फेस टेन के आधे अधूरे पत्ते पड़े हुए थे, ठीक है, फटे वटे और पुराने पुराने बहुत, और ये इतना इंटेग्रल पार्ट है मेरी लाइफ का, हम लोग इतना फेस टेन खेलते हैं, आई थॉट वाई नॉट यूज दीज वेस्ट कार्ड्स एंड मेक this part a part of my studio as well. So yeah, in ye patte use bhi ho jayenge and I think colorful patte hain to acha lagega frame. So I'm only gonna need these cards, some fevicol and some scissor for this DIY. Let's quickly start this. नेक्स्ट फ्रेम आई एम गोना टेक इज गोना बी दिस वन. एंड उसके लिए मेरे पास जो आइडिया है वो ये है कि जब मैं यूट्यूब स्पेस गई थी तो वहाँ से आते हुए वी गॉट दिस नोट पैड एंड सम स्टिकर्स विच हैज़ लोगो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल दैट. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना फ्रेम दिस यूट्यूब लोगो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूट्यूब स्टूडियोज में यूट्यूब के छोटे छोटे हिंट्स तो होने चाहिए. सो आई एम गोना मेक अ फ्रेम आउट ऑफ दिस. और एक पे आई थिंक अब लगे हाथ और यूज़ करके हम लोग ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ये सब चीज़ें यूज़ कर देते, अब रैंडमली प्लेस कर देती हूँ इनको एंड लेट्स सी हाउ दे लुक. Frames also, and I think it's enough for today because I think we've done a lot of work. Sham ho gayi hai already, so I think I feel very tired. Now I should take a break, and I'll see you tomorrow, guys. So guys, this is day number 2 and we're gonna do some more DIYs. मेरे पास एक piece है जो मेरे को मेरे friend ने birthday पे दिया था. सो वट एम गोना डू इज़, क्योंकि ये वाइट है और मुझे इसमें थोड़ा सा कलर चाहिए, तो वट एम गोना डू इज़ मेरे पास कुछ कलर्स वलर्स पड़े हैं, मुझे वो यूज़ तो करने ही है, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा पेंट करने की कोशिश करते हैं इस पर कुछ गोल्डन कलर का, सो दैट लेट्स सी आई मीन हाउ इट टर्न्स आउट. आई डोंट इवन नो इफ इट इज़ गोना टर्न आउट वेल और नॉट, बट आई थिंक अब कलर्स पड़े हैं, वेस्ट हो रहे हैं, तो आई कैन आई थिंक पुट देम इनटू सम गुड यूज. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू नेक्स्ट, लेट्स गो. Alright guys, we just got done with this DIY also. Let me just show you the final look, कैसा दिख रहा है ये. I think it's looking much better than what it was because it was quite dull. मतलब white भी बहुत अच्छा एक अपने आप में एक अच्छा color है, but you know if you are looking for a pop-up of colors in your space, then obviously I think this is looking way better than what it actually was. सो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे अपने एक और डी आई वाई की तरफ, जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुश्किल डी आई वाई होने वाला है, मुझे पता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है. सो बेसिकली मेरे पास ये ऐसा एक स्टूल पड़ा था, ये तब से मेरे पास है एक्चुअली जब से एटम को टीदिंग हो रही थी, लाइक वो हर चीज़ चबा रहा था, ही वॉज चूइंग एवरी थिंग पॉसिबल इन द हाउस. सो ही एंडेड अप चूइंग दिस ऑल्सो फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेस. तो वट आई डिसाइडेड वॉज दैट मैं इसको थोड़ा सा रिवैम्प कर देती हूँ. And for that I'm only gonna need this rope kind of thing and a glue gun. मुझे दो दिन लग गए स्टूल को फिनिश करने में. यू गाइज नो, आपको देख के पता चल रहा है कितना ज़्यादा बारीकी वाला काम था ये. मतलब मेरी उंगलियाँ सूज गई हैं, लाल हो गई हैं, मेरे नेल्स लंबे होने के कारण और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ऐसे रस्सी घुसा घुसा के अंदर. बट
फाइनल रिजल्ट बहुत सुंदर आया. आई एम सो 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 हैप्पी विद दिस. मतलब मेरा इतना बेकार सा ये स्टूल मेरा एकदम नया जैसा हो गया. सो आई एम वेरी हैप्पी. सो नाउ आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे. वी आर जस्ट गोना रेस्ट नाउ. आई एम गोना सी यू टुमारो गाइज. सो या स्टे ट्यून्ड. अब कल से हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं. मतलब सारे DIY और सारे मेहनत वाले काम हो गए हैं. अभी इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो गया. अब जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं, DIY करी हैं या खरीदी हैं या जो भी किया, अब हम उसको कल से सारी चीज़ों को लगाना शुरू करेंगे, यानी डेकोरेट करना शुरू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे नंबर, ओके आई डोंट रिमेंबर. सो वी गोना स्टार्ट आवर डे बाय एक्चुअली जस्ट शिफ्टिंग द अलमीरा फ्रॉम आउटसाइड टू दिस रूम. लाइक दिस इज एम्प्टी राइट नाउ. ओके सो अलमारी एक आनी है अंदर, वो बहुत बड़ी अलमारी है. जो मेरे रेगुलर वेयर के कपड़े हैं वो सारे उसमें हैं, और वो अलमारी बेचारी घर में बाकी जगहों पे भटक रही है. सो कमल सर ज्योति, बस इस अलमारी को इधर ले लो, उसके बाद जो करना है करो. सो व्हाट आई एम गोना डू इज क्विकली गोना गेट दैट कबर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू हियर. सो या लेट्स डू दैट. बड़ी अच्छी एक न्यूज़ मिली है एक्चुअली. मतलब आई होप इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड न्यूज़. सो आई वॉज ऑन फेसबुक जस्ट ऐसे मतलब स्क्रोलिंग डाउन, एंड आई सॉ अ पोस्ट वेयर इन दिस लेडी वॉन्टेड टू सेल अ कपल ऑफ थिंग्स. शी इज़ गिविंग इट इन अ वेरी गुड प्राइस. सो व्हाट आई थॉट, मैंने बोला लेट्स क्विकली मेक अ मूव और चलते हैं और देखते हैं इफ़ वी रियली लाइक देम. तो आई मतलब कैरिड द कैश. अगर पसंद आ गए तो वहीं के वहीं आते हुए लेते आएंगे. तो मुझे लगा बड़ा अच्छा टाइम है अभी मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, और साथ ही में मेरे को ये पोस्ट दिख गया. तो आई होप ओके. सो वी जस्ट रीच, आई एम गोना गो. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू शूट किसी स्ट्रेंजर के घर में. लाइक आई डोंट इवन नो हर. आई एम श्योर शी विल बी कम्फर्टेबल. सो आई एम लीविंग माई कैमरा हियर इन द कार. ओके ये अभी मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना कैमरा नहीं लेके आई थी ऊपर. एनीवे तो ये दोनों ले लिए और बहुत अच्छे रेट में मिल गया. हम बाद में बताते हैं कितने के मिले. सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू वॉट ऑल आई गॉट फ्रॉम दैट लेडी. एंड बाय द वे शी वॉज वेरी नाइस. वो मेरा आई हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस. लाइक मैंने फेसबुक से ऐसे पहली बार कुछ खरीदा है, बट इट वॉज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. सो या अगर आप लोगों को फेसबुक पर कुछ दिखे तो कंसिडर बाइंग दैट. लेट मी जस्ट शो यू नाउ. Now this is a set of two chairs with a vintage sort of design and a digital print on the seats. So these both chairs together costed me only rupees 2000, so actually 1000 for one chair. Now the second thing I got from her are these two bedside tables which I've actually kept one on one, and these I got in 1400 rupees, like both, so 700 each. Now it's time to measure the wall and set the frames we made. Next up, I had this grass sort of carpet with me in some weird shape, so we are gonna cut it straight and place it right near the window. Now placing all the plants that I have from ugao.com here on this grass. And by the way, these all are like indoor plants and you need like really really less care of these plants, so yeah, they're perfect. Thank you.
walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up, I won't slow down. Yeah, I am on my way up, I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care, cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow. So guys, thank you so very much for watching this video. I really hope that you liked the whole makeover. अभी मैंने काफी basic सा काम किया है, I know that. But yeah, don't be harsh while putting your comments because मेहनत बहुत लगी है. So अभी मैंने क्या सोचा है, अगर अभी मैंने ये basic setup तैयार कर लिया है, so now with time I'm gonna be you know doing different makeovers for different part of this room. Like किसी time किसी wall का makeover करूँगी, कभी किसी चीज़ का makeover करूँगी. So that's how I'm gonna do it. अभी basic set तैयार हो गया है to shoot my videos. I really hope that you like the whole video, you like the makeover, and yeah, let me know in the comments what was your like favorite thing what I did. And also I really want to thank ugao.com for sending me some you know beautiful plants for this makeover. And also I want to thank banggood.com for sending me so many things for this makeover and basically for partnering up for this video. So yeah, thank you so very much. Let me know in the comments how did you like the makeover and everything. I will see you in my next video in a different setup now. Bye.